नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आने पर उसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं USA के बारे में। आज के टाइम में हर बच्चा चाहता है कि मैं USA जाऊँ, वहाँ पर ट्रेनिंग लूँ, वहाँ के कल्चर को सीखूँ। बदकिस्मती से ये ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाती है क्योंकि इंडिया में इतना फ्यूचर नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाके, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, इटली कंट्री में जाके, रोमानिया, साइप्रस, वहां से वो USA का ट्रेनिंग वीजा लेते हैं, जिसे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कहते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। पहले मैं डिफरेंस बता दूं ट्रेनिंग में और इंटर्नशिप प्रोग्राम में। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है वो 3 मंथ का होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो 9 मंथ का होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, जो बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर लास्ट सेमेस्टर का वेट कर रहे हैं, वो सोचते हैं क्यों ना हम चंडीगढ़ जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कोलकाता जाएं या फिर बैंगलोर जाके ट्रेनिंग लें, वहां पे सीखें। सिस्टम को सीखने के बाद हमें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, पर ये नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन ये है कि लोगों को नहीं पता है कि USA का वीजा हम कैसे लें, इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए हम कैसे जाएं। तो आज मैं ये टॉपिक में आपके लिए लेके आया हूँ, उनके लिए जो जाना चाहते हैं, जिनका सपना है USA जाने का। हमें बता दो इंटर्नशिप प्रोग्राम में कौन कौन जा सकता है, चाहे वो अपना बैचलर स्टूडेंट हो, चाहे वो मास्टर का स्टूडेंट हो, चाहे वो PhD का स्टूडेंट हो, वो किसी भी कैटेगरी का भी हो सकता है, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो नर्सिंग में हो, वो सब बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन बहुत जरूरी है, वो है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप वीजा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके पहले इंटरव्यू होती है। तो टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ इनकी इंग्लिश अच्छी है, तो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, तो हम आपका सारा बायोडाटा USA के ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को भेजते हैं जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होनी होती है। फिर वो कंपनी आपकी स्काइप पे इंटरव्यू लेते हैं ऑनलाइन। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तभी वहीं से एक स्पॉन्सर आती है उस कंपनी के लिए जहां से आपने ट्रेनिंग लेनी है। वो स्पॉन्सर आने के बाद तभी आप एम्बेसी में जाके वो J1 का वीजा ले सकते हैं। J1 वीजा होता क्या है, ये एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। J1 वीजा स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आप स्पाउस को लेके जा रहे हैं, वाइफ को लेके जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनके लिए J2 वीजा आता है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर चुका है तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उसका इंडिया में कुछ नहीं बन पा रहा तो वो भी USA के लिए एलिजिबल है। वो स्टूडेंट भी अपना बायोडाटा हमें दे सकता है, फिर हम उनकी इंटरव्यू करवाएंगे। अगर वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उनका भी स्पॉन्सर लेटर लगेगा कि आपका USA का J1 वीजा करवा देंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे वापस नहीं आना, मुझे यहीं पे अच्छी जॉब मिल गई है, तो वो वीजा भी अपना एक्सटेंड करा सकता है। जी हाँ, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, कल्चर को सीखते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, तो आप वहाँ पे वीजा एक्सटेंड करा सकते हैं। बट इतना इजी नहीं है। अगर आप भी USA जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कल्चर सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।